गांधी जयंती पर चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में कुछ समाज सेवी उपवास पर बैठे हैं। इस अवसर पर उपवास कर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दलित समाज की कार्यप्रणाली को ठेकेदारी प्रथा से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने ठेकेदार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मियों की हर समस्या को पत्र में लिखा। मैं मुकेश अनार्यवंशी, आदि धर्म अनार्य समाज संस्थापक, राष्ट्रीय मुख्य संचालक। आज का जो हमारे 5 संगठनों के प्रमुखों का यहाँ भूख हड़ताल है 14 घंटे की, ये अधिकार दिवस वाले दिन हमने क्यों रखा? क्योंकि पूरा देश, खास करके वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ तरालसी, उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। इतनी कम तनख्वाह पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा 5 संगठनों का आज ये ध्येय है अधिकार दिवस वाले दिन कि इन्हें ठेकेदारी प्रथा से निजात मिले। मेरा यही कहना है जो ये ठेके प्रथा है इसे जड़ से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ठेके प्रथा के अंदर जो भी ठेके पर सफाई कर्मचारी काम कर रहा है उसका शोषण हो रहा है, उसको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, अपने बच्चों की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, घर में राशन नहीं है, और अभी कोविड-19 के अंदर भी वो काम कर रहे हैं, जिनसे वो भी उनसे कितनी उनको बीमारी लग सकती है, और कितने वो अभी बीमारी के अंदर भी वो काम पे जा रहे हैं, उनको कोई छुट्टी नहीं है, सुबह जाते हैं शाम तक अपनी ड्यूटी करते हैं, फिर भी उनकी देखरेख नहीं हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस ठेके प्रथा को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। मेरा नाम भगत राज तिथावर है, मैं प्रेसिडेंट चंडीगढ़ दलित वेलफेयर एसोसिएशन। देश में कोविड-19 से हमें मुक्ति जल्दी मिले, लेकिन साथ साथ हमने एक डिमांड करी है कि 19 कोविड को लड़ाई में सफाई कर्मचारी कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। जैसे सैनिक वार्डरोब पे करता है ऐसे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इन व्यक्तियों को जो ठेकेदारी प्रथा है वो उनसे उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि उन्हें सैलरी समय पर नहीं मिलती, मिल रही है बहुत थोड़ी सैलरी मिलती, 12-13 हज़ार मिलते हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।